हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक होंगे ये हमारा चैप्टर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर टू है इससे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर वन में हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एनजी कहती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज

जिनको फीमेल ही मानेंगेली और फंक्शनली स्ट्रक्चर फंक्शन इंटीग्रेटेड होते हैं इन्हीं के, uh, के साथ में और ये सपोर्ट करते हैं प्रोसेस को इन्हीं की वजह से फिर प्रोसेस होती है कौन सी ओव्य प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर ठीक है यहां से ऑल दो कोई नहीं आया है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है जो प्रोड्यूस करती female फीमेल जिसको आप कहा जाता है ओवम क्या कहा जाता है ओवम एंड सेवरल steroidal हॉर्मोन्स जिनको आप ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं ठीक है अब मुझे ये बताइए कि ये तो है फीमेल सेक्स ऑर्गन आपने मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा था मेल प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बताइए वो कौन सा था प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा था एग्जैक्टली exactly. टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था ठीक है और उसमें से जो प्रोड्यूस हो रहा था ओवरीज तो प्रोड्यूस करती है ओवम को लेकिन टेस्टीज प्रोड्यूस कर रही थी स्पर्म को याद आया कुछ कल बताया था आपको यह ओवरिन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है वो भी करती थी एंड्रोजन लाइक हॉर्मोन्स याद आया कुछ एंड्रोजन लाइक हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है लेडिक सेल्स वगैरह करती थी है ना जो लाइन करती थी को ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईचर एबडोम ईच ओवरी माफ कीजिएगा ये पी वाई क्यू में क्वेश्चन आ चुका है हर एक जो ओवरी होती है वो टू टू फोर सेंटीमीटर होती है उसकी लेंथ और कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड होगी आप कहोगे सर डायरेक्टली नहीं आगे रखा है कहते बाय लिगामेंट्स लिगामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो यूट्रस से और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है ये आप हाईर जाकर के पढ़ेंगे जब आप एम या फिर कोई भी मेडिकल स्ट्रीम में जाएंगे तो आपको उसमें एनाटॉमी में ये चीज आपको पता लगेगी कि, 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 लिगामेंट्स कहां पे होते हैं कौन से होते हैं अभी के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है आपके लेवल पे कि यूट्रस और पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं कनेक्टेड होते हैं और लिगामेंट से अटैच होते हैं ठीक है ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन मार्क दिस स्टेटमेंट थिन एपिथीलियम एपिथीलियम से कवर्ड रहेगी किससे कवर्ड रहेगी एपिथीलियम से कवर्ड रहेगी विच है जिसके अंदर ओवरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स अब ये जो स्ट्रोमा है ये स्ट्रोमा पहली बात तो किसमें है ये स्ट्रोमा आपका ओवरी के अंदर है और ये स्ट्रोमा भी दो जोन्स में डिवाइडेड है कौन सा पेरीफेरल कॉटेक्स इनर मेड्यूला आपने कोई भी चीज देखी होगी तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जहां पे भी दो जो बनते हैं वहां पे आउटर कॉर्टेक्स बनता है आउटर को आप पेरीफेरल भी कह सकते हैं यह आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा आउटर कॉटेक्स और इनर मेड्यूला तो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं ठीक है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला अब कहता है फीमेल ठीक है कहते हैं को, जो कि दो होती है uterus and vagina. देख लेते हैं। ये आपकी पूरी ओविडक्ट है यानी कि फेलोपियन ट्यूब ये आपका यूट्रस है ठीक है ये पूरा आपका यूट्रस है और ये नीचे का वेजाइनल पार्ट है सर्विक्स भी आपका यूट्रस का ही पार्ट माना जाता है और नीचे आपका वेजाइनल पार्ट है ये पूरा जो है ये पूरा जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल एसेसरी डक्ट को इसको स्टार मार्क कर लीजिए ये पीवाई में क्वेश्चन आया है कि क्या क्या इंक्लूड करता है बच्चे यहां पर वेजाइना पर क्लिक नहीं करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटैंड ऑफ दू दूटर ठीक है क्लोजर है वो एक फनल शेप्ड इन्फेंडिवलम है अब आप कहोगे कहाँ पे सर ये देखिए ये वाला जो पार्ट है फनल शेप है फनल ऐसी होती है ना ऐसे करके ऐसे ऐसे होती है ना फनल तो ये इन्वर्टेड फनल है अगर आप इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगी ठीक है इनवर्टेड फनल है तो ये फनल शेप्ड क्या है ठीक है समझ में आया आगे चलते हैं द एजेस ऑफ द अ फिंगर इनफेंडिबुलिंगरलाइक प्रोजेशन कोल्ड फिम्ब्रीए लाइक प्रोजेशन दिखाई दे रहे हैं ये ये दोनों तरफ इनको बोलते हैं फिम्ब्रिय जो इन्फेंडिब्लम के एंड पर प्रेजेंट होते हैं प्रेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन ये ओवम के कलेक्शन में काम आती है मार्क दिस स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू में ये भी आ चुका है फिम्बरी के बारे में भी आ चुका है और ओव्यूलेशन ओवम का कलेक्शन आफ्टर ओव्यूलेशन फिम्ब्रिय ही करते हैं फिम्बरी की वजह से ही होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फिम्ब्रिय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका पीवाई में आ चुका है, पार्ट एम्पुला। एम्पुला एक पार्ट है और आखिरी जो पार्ट आता है, वो इस्तमस है, जो का है और वो ज्वाइन करता है यूट्रस को देख लेते हैं ये देखिए ये एम्प्यूला है जो थोड़ा वाइडर पार्ट है ठीक है वहां पे जाके आप देखिए यहां पे नैरो हो गया तो इस्टमस है और ये यहां से यूट्रस में जाकर के मिलेगा ठीक है आगे चले द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम यूट्रस को ही मदर्स बॉम बोला जाता है और ये एक ही होती द शेप ऑफ द यूट्रस मार्क दिस स्टेटमेंट शेप ऑफ द यूट्रस क्या है इनवर्टेड पियर काफी बार क्वेश्चन आया है यहां पे सिर्फ पियर लगा के आते हैं बच्चे आंसर जबकि आंसर क्या होता है इनवर्टेड पियर यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने इनवर्टेड बर्ड नहीं ठीक से देखा तो वहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। सकता है है वो स्ट्रेट पियर कह कह या फिर अलग अलग होते हैं हैं उस तरीके के पियर्स सकते हैं। लेकिन ये पियर है इनवर्टेड पियर ये आपको ध्यान रखना है इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट देखो हमने लिगामेंट्स को बोला था ना कि लिगामेंट से सपोर्टेड होते हैं क्या ओवरीज होती थी ये कह रहा है ये भी लिगामेंट से सपोर्टेड है पेल्विक वॉल से पेल्विक वॉल से ये भी कनेक्टेड और सपोर्ट कौन कर रहा है लिगामेंट्स लिगामेंट्स ज्यादातर को सपोर्ट करते हैं ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे और जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप इस चीज को जरूर से पढ़ेंगे ओपन इन टू यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है थ्रू ने सर्विक्स ये देखिए ये यूट्रस था ठीक है ये नेरो सर्विक्स है और ये वेजाइना है तो यूट्रस जो है अभी आप ध्यान से देखिएगा ये यूट्रस है ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है तो यूट्रस जब वेजाइना में आकर के ओपन होगा तो बीच में ओपन करने वाली या फिर कनेक्टिंग लिंक क्या है सर्विक्स सर्विक्स इसकी कनेक्टिंग लिंक है ठीक है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल और इसकी कैविटी को सर्वाइकल कैनाल बोला गया है ये देखिए यहां पे ये जो है इसको सर्वाइकल कैनाल बोला गया है विच बर्थ कैनाल अलोंग विद मार्क दिस स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये आता है पीवाईक्यू में आया भी है जब क्वेश्चन पेपर में ये चीज आती है कि बर्थ कैनाल कौन सी चीज बर्थ कैनाल बनाती है विच फॉर्म्स बर्थ कैनाल

आउटर वाली सबसे एक्सटर्नल वाली मेम्ब्रेनस होती है थिन मेम्ब्रेनस होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम मिडिल वाली थिक स्मूथ मसल की बनी हुई होगी उसको कहेंगे मायोमेट्रियम और इनर ग्लैंडुलर होगी जिसको आप कहोगे एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है इनसाइड अंदर से ये देखिए इसमें दे भी रखा है एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली और आपको दिख भी रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ग्लैंडुलर होने के साइन है मायोमेट्रियम ये मस्क्यूलर है और पेरीमेट्रियम ये सबसे बाहर वाली थिन स्ट्रक्चर है एक तरीके से मेम्ब्रेन है द एंडोमेट्रियम एंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी तो यहां पर दोनों के काम है पेरीमेट्रियम का कोई काम नहीं दिया गया है लेकिन बाकी दो के काम दिए गए हैं कि एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल साथिक्र में साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस होते हैं वो एंडोमेट्रियम रेगुलेट करती है और मायोमेट्रियम एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी प्रेगनेंसी के टाइम पर ठीक है आपको एक टर्म बताई थी हमने पहले लेक्चर में पार्चुरेशन याद है तो पार्चूरेशन के टाइम पर डिलीवरी ऑफ द बेबी में मायोमेट्रियम हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करती है जिससे कि इजिली बेबी डिलीवर हो पाए द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटीरिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस, तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको ये चीजें दिखाई देंगी लेबिया माइनोरा, लेबियम मेजोरा ये जो हमने अभी पढ़ी और बाकी एक क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस एक हाइमन होती है जो पार्शियल कवरिंग होती है वो आगे इस पैराग्राफ में दे रखा है ठीक है पढ़ते हैं है, cushion है एक fatty का जो कि स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है देन उसके बाद में आते हैं लेबिया मेजोरा मोन्स प्यूबिस के बाद आता है लेबिया मेजोरा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि सबसे बाहर वाला आपका मोन्स प्यूबिस जहां पर आपको हेयर्स वगैरह भी दिखाई देते हैं ठीक है और एक क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड दिखाई देता है ठीक है फिर उसके बाद में आपका आता है क्या एक सेकेंड रुकिए, ठीक है थीके? फिर उसके बाद में आपका आता है क्या लेबिया मेजोरा तो ये ये फिर क्या हो गया लेबिया मेजोरा हो गया ठीक है ये क्या है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज विच एक्सटैंड डाउन फ्रॉम द प्यूबिस मोन्स प्यूबिस से लेकर के नीचे तक वेजाइनल ओपनिंग तक ये आपको देखने को मिलेगा ठीक है मोन्स प्यूबिस से होकर के वेजाइनल ओपनिंग तक ये आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये आपको लेयर्स वाइज जो भी ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है जो भी स्ट्रक्चर इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना यहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है फिर उसके बाद आते हैं लेबिया मिनोरा लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा ये भी पेयर्ड फोल्ड है टिश्यूज का अंडर द लेबिया जो कि मैंने अभी आपको बताया द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ओपन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन हाइमन एक पार्शली कवर होती है पार्शियली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन जो वेजाइना को कवर करके रखती है ठीक है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखती है उसको आप हाइमन कहते हैं द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अब द यूरिथ्रल ओपनिंग यहां पे कहीं आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग होगी और इसके ऊपर इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में यहां पे आपको एक क्लाइटोरिस देखने को मिलेगी जो कि एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा ठीक है अब उन्होंने आगे एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर बेटर better, आपके बेटरमेंट के लिए एक उन्होंने स्टेटमेंट बोली है उसको ध्यान से सुनते हैं कहता है द हाइमन इज ऑफन एन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स इंटरकोर्स ऑफन एन टोन वो तो वो मतलब एक तरीके से क्रैक हो जाती है टूट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स जबकि इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फोलोर जॉल्ट एक तरफ से झटका आ जाए या फिर कोई गिर जाए तो उस केस में भी ये टूट जाती है इंसर्शन ऑफ द वेजानल टेम्पोन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग एटसेट्रा अगर कोई विमेन इनमें इंक्लूडेड है तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि उसको फर्स्ट इंटरकोर्स तक ही वेट करना पड़े कि वो उसकी हाईमेन टॉन हो जाए उसकी हाईमैन फट जाए ऐसा नहीं होता है जो इन एक, इन एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं उनकी भी हो सकती है इन सम हाईमेन प्रसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस और किसी किसी में तो क्वाइटस के बाद भी होती है इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाईमेन जो अगर हाईमेन प्रेजेंस है या एबसेंस है ये कभी भी ये चीज नहीं बताता है इस चीज का इंडिकेटर नहीं है किस चीज का वर्जनिटी का और सेक्शुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं है यह बात आपको आपके नॉलेज के लिए समझनी चाहिए ठीक है अगर अगर किसी की हाईमैन पहले से टोन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस पहले से किया हुआ है और अगर टोन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सेक्शुअल एक्सपीरियंस से नहीं किया होगा कभी भी क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर क्वाइटर्स भी काफी विमेंस में ये प्रसिस्ट रहती है ओके नेक्स्ट इज एक ही चीज बच गई है बाकी सब हम कवर कर चुके हैं फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ करेक्टिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मेमल्स ये फीमेल मेमल्स की करेक्टिस्टिक्स है क्या मेमरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं अब आप कहेंगे कि सर फंक्शनल से आपका क्या मतलब है भाई मेल में भी तो आपको देखने को मिलते हैं चेस्ट पे वो मेमरी ग्लैंड ही होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं ठीक है वो आपको फंक्शनल देखने को नहीं मिलते हैं ठीक फंक्शनल ये सिर्फ ही होंगे और केवल मेमल्स में होंगे फीमेल मेमल्स में द मेमरी ग्लैंड आर paired स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द glandular टिश्यूज इनके अंदर ग्रैंडुलर टिश्य होते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है ठीक है ये देखिए ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है फैट का ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर अमाउंट ही होगा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है और इसके साथ में कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इन्हीं के अंदर ही कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो यहां पर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं द ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू फिफ्टीन अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं ये हर एक ब्रेस्ट को यानी कि हर एक मेमरी ग्लैंड को डिवाइड करते हैं 15 टू 20 मेमोरी लोब्स में ठीक है कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड द एलवेलाय यहां पे देखिए एलवेलाय क्या है तो यहां पे आपको ये चीज देखनी चाहिए कि मेमोरी 15 से 20 मेमोरी लोब्स बनाते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स बनाते हैं ये आपके मेमोरी लोब्स हैं जो कि मेमोरी एलवेलाय बना रहे हैं मेमोरी एलवेल बना रहे हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स ये आप आपको दिख रहे हैं ना छोटे 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 ये हैं और ये मिलकर के लोब्स बना रहे हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्स होते हैं हर एक मेमोरी ग्लैंड में ठीक है द सेल्स ऑफ एलवेलाई सीक्रेट मिल्क ये जो सेल्स ऑफ एलवेलाय है यहीं से मिल्क सीक्रिएशन होता है यहीं से मिल्क सिक्रिएशन होगा आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर प्रेग्नेंसी विच इज स्टोर्ड इन द ऑफ ऑफ अब ये ये स्टोर कहां पे रहता है तो एल्वलाई के अंदर ही स्टोर रहता है इन, इन, इनके अंदर ही स्टोर रहेगा ठीक है एल्वलाई के अंदर ही ये स्टोर रहता है और वहीं से सीक्रेट होता है द द मेमरी ट्यूब्यूल्स अब एलव कहां ओपन हो रहे हैं एलवलाई कहां ओपन हो रहे हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स में ठीक है मेमरी ट्यूब्यूल्स या मेमरी डक्ट्स में द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंस टू फॉर्म अ डक्ट अब देखिए ये जो छोटी 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 चीजें हैं मतलब जो एल्वलाए की जो डक्ट होंगी उन्होंने उसको मेमोरी ट्यूब्यूल बोला है और वो फर्दर जाकर के मेमोरी डक्ट्स में कन्वर्ज होकर मेमोरी डक्ट्स में ज्वाइन हो जाती हैं ठीक है सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला और बहुत सारी मेमरी डाट जो है वो एम मेमरी एम्प्यूला को मेमरी एम्प्यूला में जाकर के मिलती है ये रहा मेमरी एम्प्यूला जहां से बहुत सारी डक आ रही है आप भी देख रहे हैं ठीक है फिर कहता है विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक थ्रू दी द्रू विच मिल्क इज सकड आउट और ये लेक्टिफेरस डक से ज्वाइन होती है उसमें जाकर के सारी ज्वाइन हो जाती है और फिर ये लेक्टिफेरस डक वो चीज है जहां से मिल्क बाहर आएगा मिल्क ड्रेन और सकड आउट जहां से बेबी मिल्क को सक करेगा ठीक है जहां से बेबी मिल्क को सक करेगा ओके चलिए अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है ठीक है अब आप कहेंगे सर इस वाले में तो कुछ समझ में आया ही नहीं हमें तो अभी समझाते हैं इस पूरी चीज में आपको केवल एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे पहले आपके मेमोरी ग्लैंड हैं ठीक है उनके अंदर अगर मैं स्मॉल से लार्ज की बात करूं, अगर मैं स्मॉल टू लार्ज की बात करूं तो फिर क्या होगा तो सबसे पहले तो आपका 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होते हैं उन लोब्स के बाद में आपके एल्विलाईज इन्हीं के अंदर आपके एल्विलाई होंगी मेमोरी एल्विलाई क्या होंगी इन्हीं के अंदर होंगी ठीक है उसके वो ये सारे 15 टू 20 मेमोरी लोब्स में कन्वर्ट होते हैं और ये लोब्स जाकर के ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में इसमें मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाकर के ओपन होंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद ये आएंगे मेमोरी डक्ट में ट्यूब्यूल के बाद किस में आए डक्ट में आए डक्ट के बाद कहां आए लेक्टिफेरस डक्ट नहीं उससे पहले आए एम्प्यूला में एक सेकेंड मेमोरी एम्प्यूला में मेमोरी एम्प्यूला में और मेमोरी एम्प्यूला से ये कहां आए लेक्टिफेरस डक्ट में और लेक्टिफेरस डाक्ट से निपल के थ्रू सक आउट ठीक है तो बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है आपको इस पूरे पैराग्राफ में यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ध्यान रखना ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ये चीज आप ध्यान रखें और जो भी पीवाई आए हैं वो सारे इसी के बेस आए हैं कि कौन सी चीज किस में जाकर के खुलती है वो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दी है ठीक है कौन सी चीज किस में जाकर के ओपन होती है और क्या कितनी कैसे है ये भी आया है काफी बार पी में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेमरी लोब्स होते हैं पे बच्चे नंबर में कंफ्यूज होते हैं फिर वो आकर खुलती है आपकी ट्यूब्यूल्स में। एनसीईआरटी ये बात कहती है आप जब देन डक्ट और उसके बाद में निपल सक्ट आउट इसमें काफी लोग क्या सोचते हैं कि डक्ट में भी बाद में आए लेफेरस डक्ट पहले आ जाए ये काफी बच्चों का डाउट होता है डाउट नहीं होता उन्हें कंफ्यूजन होता है जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं लेक्टिफेरस डक्ट बाहर है और बड़ा बड़ी चीज है एज कंपेयर टू मेमरी डक्ट मेमरी डक्ट छोटी 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 मेमरी डक्ट आकर के एम्प्यूला में मिलेंगी एम्प्यूलाज आकर के लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर जाकर के चेंज हो जाएंगे ठीक है यहीं पे आपका ये सेकंड लेक्चर खत्म होता है अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं तभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उस डाउट को सॉल्व हम एक सेपरेट लेक्चर लेकर के करेंगे जिसमें जिसका हम इस चैप्टर पूरे चैप्टर का हम डाउट लेक्चर एक वीडियो बना देंगे हम लोग और वो उसमें फिर आपके सारे डाउट्स कंसीडर किए जाएंगे ठीक है तो इसको दोबारा से आप पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का कवर करेंगे